जामनगर में वायुसेनानी आईएएफ सूर्यकिरण एरोबिक टीम द्वारा भव्य एर शो योजवामां आव्यो हतो, जेमां एरफोर्स स्टेशन खाते जामनगर जिला कलेक्टर सौरभ पारखी, जिला पोलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू, म्युनिसिपल कमिश्नर विजय खराड़ी तेमज इंडियन एर कमांडर अने शहेरना लोको अने विविध स्कूलोना बाळको द्वारा आ शो ने निहाळवामां आव्यो हतो। जामनगरना आकाशमां रोमांचक दृश्य जोवा मळ्या हता। खास करीने वायुसेना द्वारा एरफोर्सना सूर्यकिरण एरोबिक द्वारा करतबो बतावामां आव्या हता। आ करतबथी लोको मंत्रमुग्ध बनी गया हता। अभी 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक डिस्प्ले किया यहाँ जामनगर के ऊपर। ठीक है, ये जो डिस्प्ले किया गया था, ये जो हमारे यूथ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ठीक है, जिसने आपने देखा होगा कि 9 जहाज बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही पास उड़ान भर रहे थे। इसमें हमने 2 प्रकार से डिस्प्ले दिखाया, जिसमें पहले आपने देखा कि 9 के 9 जहाज एक साथ उड़ रहे थे, जिसको हम कॉम्पोजिट मैनूवरिंग कहते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट 2 एलिमेंट में बट गए और उन्होंने अपनी जो ऊंचाई है उसे और नीचे की और गति को और तेज बढ़ाया और आप क्राउड के और पास आके उड़े, उसको हम सिंक्रोनाइज मनूवर कहते हैं, सिंक्रो के नाम से जाना जाता है। આપણે યુદ્ધના વિમાનો ને એવું તો ઘણી વાર જોયું હોય છે, પહેલી વાર સૂર્યકિરણના વિમાન અહીંયા આગળ આજે જોવા મળ્યા છે, લાઈવ અમે અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ અને ખૂબ જ સરસ આનંદ આવ્યો ને બહુ મજા આવી। इंडियन एयरफोर्स द्वारा खास कर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन खाते एर शो आयोजन कर सूर्य किरण द्वारा खास कर एक कर्तव्य बताया था। तरह खास कर आ सूर्य किरण शू महत्व है, खास कर सूर्य किरण के शू एनु महत्व है, तरह खास कर अपनी साथ कमांडर सुरेंद्र सिंह त्यागी अपनी साथ जोड़ाया है। तो खास कर सर, उसकी क्या खासियत है सूर्य किरण की? पहले तो मेरा नाम एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी है और मैं फाइटर पायलट हूँ। मैं भी जैसे सूर्य किरण के पायलट हैं और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है MiG-21 पे आज तक। ये सूर्य किरण जो है ये एक फॉर्मेशन एरोबैटिक टीम है, मतलब इसमें 9 जहाज एक साथ मिलके हवा में एरोबैटिक्स करते हैं या कलाबाजियां कह दें उनको करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक दूसरे से सिर्फ 2 या 3 मीटर की दूरी पे होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जो इसका पायलट है वो एक तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस, उसकी जो फ्लाइंग स्किल है वो इतना अच्छा उसकी स्किल होनी चाहिए और सबसे बड़ा जो है उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, उसे डर नहीं होना चाहिए, तभी ये इस तरह की एरोबैटिक्स कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी 5 या 6 टीमें हैं बड़ी बड़ी एयरफोर्स की, अमेरिकन के पास है, फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है। हमारे पास ये टीम जो है अलग अलग जहाजों पर होती रही हैं, पहले हंटर पे थी, फिर सूर्य किरण जहाज पे आई और अब ये हॉक जहाज पे हैं। सूर्य किरण इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब किरण जहाज अपना जो बनाया हुआ था हिंदुस्तान का उस पर करते थे, सूर्य किरण इसका नाम डाल दिया था। ये जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में तो सब जगह ये करते हैं ये शो, बाकी दुनिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, सब जगह जाके करते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि ये देख के जैसे आपके मन में भी आज बड़ा जोश भरा होगा कि एक तो पब्लिक के दिल में बहुत जोश बढ़े, सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही नहीं पर देश के लिए भी, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी भावना ऐसे जगह कि वो भी जाके एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहे, तो इसका मकसद असल में एक बस ये होता है। खास कर देश और विदेश की अंदर सूर्य किरण महत्व है, त्यार खास कर जे कमांडर त्यागी सर है एमने